जिला स्तरीय परिवहन कार्यक्रम बाल स्कूल हमीरपुर में हुआ, जिसमें 16 स्कूलों के 120 छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वर्ष 2017-18 के लिए बेस्ट इको क्लब अवार्ड से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंगियाणी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुग्गा को सम्मानित किया गया। पर्यावरण प्रतियोगिता के अवसर पर जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल भी मौजूद रहे। तीनों स्कूलों को नगर राशि से नवाजा गया। इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता में जानवी शर्मा, ईशा शर्मा, राधिका भारद्वाज, निकिता, रोहित सबसे बेहतर चुने गए। नारा लेखन प्रतियोगिता में अभिषेक कुमार, देवा शर्मा, शिल्पा शर्मा, सोनिया शर्मा, सदेश व शिवानी विजेता रही। भाषण प्रतियोगिता में करण, जानवी, निकिता, प्रांजल व वीना को बेहतर चुना गया, जबकि निबंध प्रतियोगिता में महिमा, ईशा शर्मा, विशाल, कृतिका, प्रिंस रांगड़ा एवं शीतल विजेता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंब्याल ने की। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक देशराज भरवाल ने विजेता छात्रों को पुरस्कार बांटे। इस दौरान स्थानीय स्कूल प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर, संजीव ठाकुर, ओपी शर्मा, राजेश गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम यहाँ बॉयज स्कूल में, जो हमारे सिटी स्कूल हैं, 16 स्कूलों के लगभग 120 बच्चे भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं में यहाँ पे भाग ले रहे हैं। इसका जो मुख्य हमारा थीम था वो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके ऊपर बच्चे अपना निबंध लिख रहे हैं, बच्चे इसमें डेक्लामेशन में भाग ले रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं और स्लोगन राइटिंग। इस सब का उद्देश्य यही है कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। जैसे कि हमारा इको क्लब के माध्यम से आज पूरा जिले के अंदर इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं, बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा था। निश्चित रूप से अगर हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ जब हिमाचल की बात आती है, गांव की बात आती है, तुम्हारी छोटी छोटी जो नदी और नाले हैं उनका सफाई अभियान हर एक स्कूल के अंदर, स्कूल के जो निकट छोटे छोटे जो नाले थे उनको, उनमें से जो प्लास्टिक था उसको साफ करने का कार्य हमारे बच्चों ने किया और उसका रखरखाव स्कूल के अंदर, उसके बाद पंचायतें जो अपने स्तर पर उसका निष्पादन करेंगी। तो आज की अगर हम पुरानी सभ्यता की बात करें, जब भी कोई गांव बसता था नदी के किनारे बसता था, इसलिए कि जो लोगों की मूलभूत समस्या थी वो पानी की हुआ करती थी। लेकिन आज हालात हमारे बिगड़ चुके हैं, चाहे वो गांव का छोटा सा नाला हो, चाहे हमारी बड़ी नदी हो, सारे के सारे आज सूखने के कगार पर हैं, या जिन नदियों में पानी है वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि सबके लिए जिम्मेवार कौन है, और बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारे जितने पहले के जो पूर्वज हैं, हमारी जो पीढ़ी है, इसी ने, इसी का जो एक लालच था, बहुत बड़ा लालच था कि हम बहुत बड़ा विकास करेंगे। हमारी जो भावनाएं थी वो इतनी बढ़ गई, हमारी इच्छाएं इतनी चल पड़ी कि जो प्राकृतिक संसाधन थे उनकी लूट और घसोट, उनका अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया, और उस अंधाधुंध जो हमारे दोहन किया उसके जो प्राकृतिक जो संतुलन था वो बिगड़ता चला गया।